हल्द्वानी विधायक सुमित रदेश ने जवाहर नगर से 5 दिन पहले लापता हुई नाबालिग बच्चियों के परिजनों से मुलाकात की। कांग्रेस विधायक ने कहा कि मैं पुलिस प्रशासन से लगातार संपर्क में हूं। उम्मीद है कि बच्चियों को जल्द तलाश कर लिया जाएगा। हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने लापता बच्चियों के घर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मौके से ही SSP नैनीताल प्रहलाद मीणा से फोन पर बात की और बच्चियों को जल्द सकुशल बरामद करने के निर्देश दिए। परिजनों को ढांढस बंधाते हुए उन्होंने कहा कि बच्चियों की जल्द बरामदगी हो जाएगी। यदि 24 घंटे के अंदर नाबालिग नहीं मिली तो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल DIG कुमाऊं से मुलाकात भी करेगा। कांग्रेस विधायक ने कहा कि प्रकरण को लेकर जो भी लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बेटियों के लिए न्याय मांगना बहुत अच्छी बात है, पर यही लोग अंकिता भंडारी और नैब में बच्चियों के शोषण पर मौन थे। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि ये लोग सिर्फ विवाद खड़ा करना चाहते हैं। ये वाक्य में सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि नैनीताल पुलिस अवश्य इसमें खुलासा जल्द से जल्द करेगी। मैं कल से देख रहा हूँ कि इस पर राजनीति करने का प्रयास करा जा रहा है। मैं कल से देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन जो हैं वो जाके हाउ हल्ला कर रहे हैं, और जैसे ही उन्हें ये विषय मिलता है जहाँ पे धार्मिक उन्माद का उछाल कर सकें वहाँ अवश्य वो बहुत ज़ोर से। देखिए, बेटियों के लिए न्याय मांगना बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले काम कोई अगर ये करता है तो हम लोग करते हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि हमारी ये भी बच्चियाँ हैं, एक ऐसी हमारी बेटी इस प्रदेश की अंकिता भंडारी, उसके न्याय के लिए भी एक दिन अगर ये थाने का घेराव करें, कहीं पे पुतला दहन अपनी सरकार का करें या VIP का खुलासा की अगर ये मांग करें, तो मैं मानूंगा कि हर दृष्टि से सर्व समाज के लिए इनकी सोच। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।